हेलो फ्रेंड्स, इनोवेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेशन ई लर्निंग सेशन के इस सेशन में हम लोग स्काडा बेसिक्स के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं। और आज हम लोग जो है स्काडा को का डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन स्काडा। और किसी भी चीज़ के डेफिनेशन में दो क्वेश्चन के आंसर होते हैं नॉर्मली। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज हाउ इट वर्क। तो स्काडा के डेफिनेशन में भी हम इसी तरीके से देखेंगे कि व्हाट इज स्काडा एंड हाउ इट वर्क्स। अगर इन दो क्वेश्चंस के जवाब आपको डेफिनेशन में मिल जाते हैं तो आपका कोई भी डेफिनेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है। और अगर इन दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते देन आप कहीं से भी डेफिनेशन रट लेते हो, अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लैंग्वेज कितने भी टिपिकल हो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो स्काडा के डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो टर्म्स नजर आते हैं। स्काडा के फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो आप देखोगे यहाँ दो टर्म नजर आया, फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज डेटा एक्विजिशन। और ये दोनों टर्म्स को आपस में अटैच करके हम स्काडा जो है वो पढ़ते हैं इसे। तो फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी कंट्रोल। एंड सेकेंड वन इज डेटा एक्विजिशन। अगर इन दो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होते हैं देन आप स्काडा को बेहतर वे में समझ सकते हो। सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोल। तो ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग का मतलब होता है सिर्फ देखना, ये मॉनिटरिंग के साथ साथ सिग्नल ट्रांसमिशन भी है कि ये कंट्रोल भी कर सके। बट ये फुल कंट्रोल भी नहीं है, ये क्या करता है फिजिकल पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं प्लांट पे और फिर आगे पास करता है, प्रोसेस करता है। और उसके लिए क्या जरूरत होती है, डेटा एक्विजिशन की, किसकी, कलेक्शन की। एक्विजिशन जो है वो एक्वायर वर्ड से आया है, एक्वायर से एक्विजिशन हुआ है, उसी तरीके से कलेक्ट से कलेक्शन, एक्वायर मीन कलेक्ट तो कलेक्शन, तो कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा क्या है यहां पे, फिजिकल पैरामीटर्स जिनकी कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं प्लांट पे। और ये फिजिकल पैरामीटर्स क्या होंगे, प्लांट पे तो ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं बट यहाँ जो वो पैरामीटर्स जिनकी कंट्रोलिंग हमें प्लांट पे मशीनरी रन कराने के लिए करना होता है, जिनकी कंट्रोलिंग से प्लांट प्रॉपर रन करता है, उन पैरामीटर्स की बात करते हैं। और वो कुछ टिपिकल पैरामीटर्स हैं आपके, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो और स्पीड। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके जिनकी मॉनिटरिंग जो है हम स्काडा के थ्रू कर सकते हैं। और बाकी मेन कंट्रोलर्स के थ्रू हम इनको फुल लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद अब किसी ने पूछा कि भाई जस्ट डिफाइन स्काडा, तो हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन स्काडा। तो डेफिनेशन में सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन सबको आप अटैच करोगे आपस में और स्काडा का डेफिनेशन आपका रेडी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि व्हाट इज स्काडा, में द टर्म SCADA stands for supervisory control and data acquisition। सेकेंड वन इज, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि स्काडा इज ए सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। सॉफ्टवेयर क्यों, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है इसका, इसको आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हो और उसके थ्रू ही आप पूरे प्लांट को मॉनिटर करते हो और सिग्नल ट्रांसमिशन करते हो। तो यहां वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि स्काडा इज ए सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। नेक्स्ट वन में हम लोग क्या है कि भाई ये क्या है, अब व्हाट इज स्काडा। तो हम लोग लिखते हैं, ये पता चल गया कि सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है, अब ये मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोल करता है। तो लिख दिया हमने कि इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। लेकिन जैसे ही आप ये बात बोलोगे इंटरव्यूअर को, कहीं भी एक क्रॉस क्वेश्चन होगा आपको कि इफ स्काडा कैन कंट्रोल द होल प्रोसेस देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पीएलसी, डीसीएस एंड एनी अदर कंट्रोलर। कि अगर आप स्काडा के थ्रू ही पूरे प्लांट की कंट्रोलिंग कर सकते हो तो देन किसी और कंट्रोलर की क्या जरूरत पड़ी हमें। तो वहां हमें क्लियर करना पड़ेगा कि इट इज ओनली मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोलर, इट इज ओनली
सब्स्टिट्यूट कंट्रोलर, इट इज ओनली सेकेंडरी कंट्रोलर, इट इज नॉट द फुल कंट्रोलर। तो फुल कंट्रोल कौन करता है यह भी आपको बताना होगा। तो फुल कंट्रोल हैज डन थ्रू द मेन कंट्रोलर अटैच टू इट। ओके, तो यहां क्लियर करना पड़ेगा, या तो आप ये बताओगे कि दिस इज नॉट द फुल लेवल कंट्रोल, या उन्हें बताओगे कि दिस इज द सेकेंडरी लेवल कंट्रोलर। तो इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बट कंट्रोल डजंट अकर्स एट फुल लेवल। देन कि फुल लेवल कंट्रोल कौन करता है, द फुल लेवल कंट्रोल has done through the main controller, like PLC, BCS, जो इससे attached है, attached to ये हमें पता चल गया कि व्हाट इज स्कैडा। अब नाउ हाउ इट वर्क्स, तो स्कैडा कैसे काम करता है। स्कैडा कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ इंडस्ट्री थ्रू a device named RTU, remote terminal unit। ये एक डिवाइस है जिसका काम होता है फील्ड से आने वाले डेटा को कलेक्ट करना, रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट। ठीक है, तो स्कैडा में क्या करते हैं कि रिमोट टर्मिनल यूनिट के थ्रू, आरटीयू के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है आरटीयू, और देन आफ्टर जो भी उसकी प्रोसेसिंग होनी है उसको मेन कंट्रोलर के पास भेजना है, वो सारा काम करता है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग ओके, तो हम लोग ये जान गए कि व्हाट इज स्कैडा। स्कैडा क्या है, एक मॉनिटरिंग लेवल कंट्रोलर है, बट ये फुल कंट्रोलर नहीं है। फुल कंट्रोल जो है वो मेन कंट्रोलर के थ्रू होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स को कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सारा काम इसके थ्रू होता है। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ स्कैडा। स्कैडा के बारे में जो है आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके।